हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल और टैली की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था कि कैसे कैश सेल करते हैं और कोई दिक्कत होती है तो गुड्स कैसे वापस आता है और उसका पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं, आज हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट सेल कैसे होता है, मतलब उधारी पे हम सामान बेच दिए हैं और उसका पेमेंट हमें कब होगा। ठीक है, तो उसका पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग आएंगे सबसे पहले ऑर्डर वाउचर में, सेल्स ऑर्डर रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर वाउचर ओपन करने के लिए आपको F11 प्रेस करना होगा और F2, ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर में जाके सेल्स ऑर्डर वाउचर को यस करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टी ले लेंगे, मिस्टर सी ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि है सन्ड्री डेटर। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिख देंगे ORD/001001, इसलिए क्योंकि पहला ऑर्डर है सेल्स। अब हम यहाँ पे जितने हमारे स्टॉक आइटम हैं, आपको सेल करने से पहले स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास होंगे तभी आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने ले लिया कंप्यूटर, कितना 30 पीस और 25,000 का। अगला हमने ले लिया माउस, माउस को ले लेते हैं 20 पीस, 1500 का। उसके बाद हम ले लेते हैं स्पीकर, 25 पीस, 2500 का। और फिर टेलीविज़न, टेलीविज़न है 40 पीस, 35,000 का। ठीक है, इतना लेने के बाद कुछ नहीं करना है, इंटर करेंगे और नीचे लिख देंगे बींग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड। ठीक है, अब सेल्स ऑर्डर रिसीव करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें डिलीवरी नोट से गुड्स को डिलीवर कर देना है मिस्टर सी को। ठीक है, तो डिलीवरी नोट के लिए हम आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में और राइट हैंड साइड पे देखिए ये आपका डिलीवरी नोट दिया है एक अंडरलाइन के साथ है, तो इसको क्या करेंगे हम Alt F8। ठीक है, इसको भी हम इनेबल कर लेंगे F11 F2 से। ठीक है, Alt F8 करेंगे, देखिए आ गए, रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो हम डाल देंगे REF/01। ठीक है, इंटर। अब हम डेट भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए 2 तारीख को भेज रहे हैं, 1 तारीख को आया था, 2 तारीख को हम भेज रहे हैं। ठीक है, किसको भेज रहे हैं, मिस्टर सी को। अब ऑर्डर जो आपके पास आया था उसको इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे देखिए ORD 001 लिखा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो जितना ही ऑर्डर आपको आया है सब आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। देखिए पूरी एंट्री हो गई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां आ जाएंगे कंप्यूटर, REF रेफरेंस ले लेंगे और पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, माउस, फिर REF ले लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्पीकर रेफरेंस नंबर जो आप दिए हैं REF करके उसको ले लेंगे। ठीक है, पूरा सेलेक्ट करने के बाद नीचे नरेशन लिख देंगे बींग गुड्स डिलीवर्ड टू मिस्टर सी, मतलब कि जो गुड्स हमें ऑर्डर रिसीव हुआ था वो हमने डिलीवर कर दिया मिस्टर सी को। ठीक है, अब मान लीजिए वहां गया और कुछ दिक्कत आ गई गुड्स में, मिस्टर सी ने हमें वापस कर दिया, तो हमें वापस कर दिया तो हम किस में एंट्री करेंगे, रिजेक्शन इनवर्ल्ड में। ठीक है, उसके लिए देखिए ये है डबल अंडरलाइन के साथ F6, डबल अंडरलाइन मतलब Ctrl F6। ठीक है, तो हम कंट्रोल और F6। ठीक है, रिजेक्शन इनवर्ल्ड स्पेस मिस्टर सी। अब जो जो आइटम आया है वापस उसको लिख लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर सेलेक्ट करिए, ये रेफरेंस ले लीजिए, 30 पीस हमने बेचा था, मान लीजिए 5 पीस वापस आ गया, फिर टेलीविजन 40 पीस हमने भेजा था, मान लीजिए इसमें 10 पीस वापस आ गया। ठीक, बाकी स्पीकर और माउस हमारे वापस नहीं आए, बस क्या वापस आया, कंप्यूटर और टेलीविजन। ठीक है, यहां नरेशन लिख देंगे बींग
बीइंग गुड्स रिजेक्टेड बाई मिस्टर सी। ठीक है, मिस्टर सी ने ये गुड्स रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब जितना भी आइटम आपके पास बचा है उसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सेल के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, F8 प्रेस करेंगे, क्या F8 सेल्स में आ जाएंगे। इसमें भी रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे, रेफरेंस नंबर इसमें 001। ठीक है, मान लीजिए सेल हम डेट चेंज कर देते हैं, सेल हम कर रहे हैं 1 मई को। ठीक है, पार्टी मिस्टर सी, और रेफरेंस ले लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और पूरा हो गया। देखिए जितना वापस हुआ था वो माइनस हो गया आपका। ठीक है, बाकी रेस्ट अमाउंट क्या हो गया आपका, सेम उसी तरह आ गया। ठीक है, क्वांटिटी भी सेम हो गई, जितना वापस हुआ जिसमें से कंप्यूटर और टीवी में से वो माइनस हो गया, बाकी सब क्या है सेम उसी तरह आ गया। अब आप इसको कुछ नहीं करना है, बस आप इंटर करते चले जाएंगे। उसके बाद नरेशन में आएंगे, लिखेंगे बींग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी। ठीक है, इंटर इंटर एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमें इतना ही पेमेंट किससे लेना है, मिस्टर सी से, तो हम स्किप करेंगे। चलिए फिर अकाउंटिंग वाउचर में ही आएंगे और रिसिप्ट में आएंगे। रिसिप्ट किस पे है, F6, F6 कर देंगे अकाउंट। मान लीजिए हमें कैश मिल रहा है, कितना मिलेगा देखते हैं, मिस्टर सी का बैलेंस कितना है, 17,67,500, 17,67,500, तो उतना पूरा लिख देंगे। ठीक है, इंटर, उतना हमारे अकाउंट में बढ़ गया कैश में, और ये हो गया, तो लिख देंगे बींग पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था कैसे क्रेडिट सेल करते हैं, वही है, डिस्प्ले डेबुक में जाएंगे, एंट्री दिख जाएगी, F2 करेंगे, डेट हटा देंगे और पूरा देख लेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल को हमें सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ, 2 अप्रैल को हमने डिलीवरी कर दी, 2 ही अप्रैल को रिजेक्ट हो गया, हाँ, और 1 मई को हमने सेल कर दिया और 1 मई को हमें पेमेंट रिसीव हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो हमारी पिछली किसी भी वीडियो में आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,